का स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता पीटर डटन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। मोदी सरकार पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री गहलोत, कहा नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, अभी भी नहीं हुई देर, गलती मानकर करे सुधार। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, बोले नए संसद भवन में सेंगोल को रखा जाएगा। संसद भवन के उद्घाटन का विवाद जारी, संजय राउत ने कहा केवल पीएम मोदी का नाम लिखवाने के लिए बनाया गया नया संसद भवन। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी आरजेडी, उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने पर बहिष्कार, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। नई संसद पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा अपनी अपनी सोच, हमने सबको बुलाया। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई टली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 26 मई को होगी। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन आज, एलजी सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर जल्द दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में होगा शुमार। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित, कहा पहले नहीं मिलता था महिलाओं को मौका, आज बन रही विधायक और सांसद, हमने जनाधार कार्ड में महिलाओं को बनाया घर का मुखिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने असम मेघालय सीमा पर मुख्यमंत्री स्तर की बैठक की, 6 क्षेत्रों में चल रहे डिस्प्यूट पर की बातचीत। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में चीते के शावक की मौत, 2 महीने में 4 चीतों की हुई मौत, वहीं चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीतों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी क्रूजर, हादसे में 7 लोगों की मौत, वहीं कई लोग घायल। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पहुंचे बीकाणा के दौरे पर, श्री डूंगरगढ़ में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने किया स्वागत। भीलवाड़ा के मांडल में युवती का मर्डर, हत्या कर जंगल में फेंका शव, युवती 4 दिन पहले आई थी शादी में, बागौर पुलिस मामले की जांच में जुटी। करौली के सपोटरा में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत, निमोदा नारायणपुर टटवाड़ा स्टेशनों के बीच मिले शव, पुलिस और जीआरपी मामले की जांच में जुटी। राजसमंद के आमेट नगर पालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, संविदा कर्मचारी रिश्वत लेते ट्रैप, साथी कर्मचारी फरार। पीएम नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर की सभा की तैयारियां जोरों पर, कायड विश्राम स्थली पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया भूमि पूजन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दर को गिराना उनके हाथ में नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड से मिलने वाला डाटा पर निर्भर करता है, महंगाई में तेज गिरावट के नहीं है आसार। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO की 76वीं सभा हुई, WHO ने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, नया वेरियंट या वायरस आ सकता है, ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए तैयार रहें। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 552 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 6591 पर पहुंचे। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई द केरला स्टोरी, 203.47 करोड़ रुपए का हुआ फिल्म का टोटल कलेक्शन, पठान के बाद 200 करोड़ कमाने वाली साल की दूसरी फिल्म। साराभाई वर्सेस साराभाई की अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की सड़क हादसे में मौत, वैभवी की मौत की खबर निर्माता JD मजेठिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे का हार्ट अटैक से निधन, 51 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 26 मई को दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के प्रमुख नेता होंगे शामिल, राहुल गांधी के साथ भी होगी गहलोत, रंधावा और डोटासरा की बैठक। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने नीरज चोपड़ा, ऐसा करने वाले देश के पहले एथलीट। भीलवाड़ा में सिख समाज ने शहीदी दिवस मनाया, गुरुदेव अर्जुन देव जी की याद में शहीद दिवस पर गुरुद्वारे में कीर्तन और संगत का आयोजन किया गया, साथ ही सिख समुदाय के युवाओं ने छबील लगाकर लोगों को शरबत पिलाया। पाली के देसूरी में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष और राहत कैंप के जिला प्रभारी संगीता बेनीवाल ने राहत कैंप का निरीक्षण किया, कैंप में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान प्रभारी ठाकुर अभिमन्यु सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला गौड़ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में दोनों बाइक सवार 3 व्यक्ति घायल हुए और साथ ही साथ तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के बराहुर गांव में शिव सिंह नामक व्यक्ति के घर में आग लगी, ग्रामीणों की मदद से अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना में गंभीर रूप से 3 लोग झुलस गए, तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में करीब 1 लाख रूपये के नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
धौलपुर के सैपो में आवारा जानवर को बचाने के दौरान थ्री व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। नागौर के डेगाना में मजदूरी का कार्य कर रही महिला की दीवार गिरने से मौत हो गई। साथ ही महिला का पति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। उदयपुर के रिहायशी इलाकों में लगातार पैंथर की मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिंक कॉलोनी में पैंथर की हलचल देखी गई। पैंथर ने कुत्तों पर हमला बोल दिया। पूरी ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कॉलोनी वासियों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी है। उदयपुर में चाय के आउटलेट पर फ्रिज का कंप्रेसर अचानक से फट गया, जिससे दुकान में बैठे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर भूपालपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। धौलपुर के सरमौत्रा पुलिस की ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 8 स्थानों पर दबिश देकर कुल 25 लोगों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से अवैध देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बोर बरामद किया गया है। साथ ही साथ अवैध देशी शराब के 58 पब्बे जब्त किए गए हैं। दौसा के सिकराय में सिकंदरा चौराहे पर दो वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। श्रद्धालुओं से भरे मिनी ट्रक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। झुंझुनू के गोरीर गांव के सोनू कुमारी ने यूपीएससी में परचम फहराया है। राष्ट्रीय स्तर पर 208वीं रैंक हासिल की है, जिस पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा के अटोली गांव में खेत पर कार्य करते समय महिला अचेत हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बूंदी के लाखेरी लबान स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर व्यक्ति ने आत्महत्या की। मृतक बाबूलाल मीणा रामगंज का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर दहीखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। सरकार की महत्वपूर्ण योजना में डीडवाना अव्वल है। जिले में महंगाई राहत शिविरों में उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नागौर में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन डीडवाना उपखंड क्षेत्र में हुए हैं। पाली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जनसंवाद कार्यशाला महानिरीक्षक पुलिस एसीबी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसीबी ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सभी नागरिकों को लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शहीद क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट की 130वीं जयंती मनाई गई। जयंती की पूर्व संध्या पर एसोसिएशन शाहपुरा और दस्तक संध्या ने मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया। जुलूस का विशेषाधिकारी आईएएस डॉक्टर मंजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस सदर बाजार से होते हुए त्रिमूर्ति चौराहे पर संपन्न हुआ। बारा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ ज्वेलर ने शिकायत दर्ज कराई है। ज्वेलर ने रिपोर्ट में बताया है कि प्रॉपर्टी डीलर ने बेटी की शादी के नाम पर 25 लाख रुपए के जेवर हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर के बसई डांग में करंट की चपेट में आने से चरवाहा झुलसा है। उपचार के दौरान चरवाहे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के झालरापाटन में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने घर को निशाना बनाया। घर से जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सूचना पर पहुंची झालरापाटन पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कल्याण के लिए समाज सेवी स्वर्गीय भगवान सिंह परिहार द्वारा जिस उद्देश्य से नवजीवन संस्थान की स्थापना की, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के पुत्र राजेंद्र परिहार बच्चों से लेकर बुजुर्गों और ऐसे विशेष बच्चे जो चल फिर नहीं पाते, उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया है उन्होंने। उसी का नतीजा है कि सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के लिहाज से एक और बेहतरीन पहल की है। ऐसे विशेष बच्चों को रखने के लिए एक अलग से हॉस्टल जैसी सुविधा की गई है। विशेष योग्यजन बच्चों के लिए बाकायदा गृह बनाया गया है, जिसमें हॉस्टल जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठन का मजबूत आधार है। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आमजन के चेहरे पर मुस्कान है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। डूंगरपुर में शहरवासियों को पेयजल और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए RUIDP की ओर से पेयजल विकास परियोजना की शुरुआत हुई। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डूंगरपुर विधायक और सभापति ने 4 MLG स्टेशन पर भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित समारोह को राज्य मंत्री शंकर यादव ने संबोधित किया। झुंझुनू के सिंघाना में लीज विवाद को लेकर ग्रामीण और पुलिस की तनातनी। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, जिसमें 4 पुलिस वाले समेत एक ग्रामीण घायल हुआ। उपनिरीक्षक प्रोबेशन अभिलाषा ने 7 नामजद सहित 40 अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया।
नागौर में विवाहिता की अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रूपाराम ने बताया कि 18 मई को पीड़िता ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नागौर के कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 7 लाख रूपये के आभूषण खरीदे थे। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया है चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नागौर के डीडवाना में पीएम मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे समेत अनेक मुद्दों को लेकर देहात भाजपा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देहात भाजपा के सभी इकाई प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक शुरू होते ही डीडवाना उप प्रधान ओम प्रकाश नील बैठक छोड़कर रवाना हो गए। उप प्रधान नील मंच पर स्थान नहीं मिलने से नाराज थे। उसके बाद शुरू हुई बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। झुंझुनू के उदयपुरवाटी सीबीईओ कार्यालय में निलंबित शिक्षक का अनशन पॉक्सो के मामले में शिक्षक काट चुका है जेल। स्कूल स्टाफ पर लगाया षड्यंत्र का उन्होंने आरोप। जेल में रहने के दौरान पत्नी से हड़पे गए 2 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग की गई। शिक्षक ने कहा कि जब तक मांगे नहीं माने जाएंगी तब तक अनशन जारी रहेगा। सीकर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुकुल खीचड़ का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एक धन्यवाद रैली भी निकाली गई। रैली में जिलाध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया गया, जिस पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही साथ पार्टी की रीति और नीति पर काम करने का संदेश दिया। झालावाड़ के डग कस्बे से हज यात्रा के लिए मुस्लिम समाज के करीब आधा दर्जन लोग रवाना हुए, जिनका मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर स्वागत किया। वहीं ग्राम पंचायत डग में भी राजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में यात्रियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर के फरौदी में नवनियुक्त ओएसडी जसमीत सिंह संधु ने सरपंच पंचायत समिति सदस्यों समेत जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर समस्याओं को जाना। समस्याएं सुनकर ओएसडी ने समाधान का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने ओएसडी बनकर फरौदी आने पर और पहली बार किसी आईएएस द्वारा पंचायत समिति की बैठक लेने पर आभार जताया। सीकर के उद्योग नगर में नगर परिषद के वेस्ट इंपैक्टर में आग लगी है और देखते ही देखते आग ने पास में पड़े कचरे के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इंडियन फिजिक अलायंस द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झालावाड़ के बॉडी बिल्डर मुजम्मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। इस अवसर पर झालावाड़ के खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुजम्मिल को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ के धूलापानी थाना क्षेत्र के पीपली खेड़ा में ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को नामजद किया है और साथ ही साथ पुलिस ने लूटा गया ट्रैक्टर भी बरामद किया है। थाना अधिकारी धर्म सिंह ने यह जानकारी दी है। डूंगरपुर में शहरवासियों को नगर परिषद की ओर से मिली बड़ी सौगात। नगर परिषद की ओर से बीएल सिनेमा शुरू किया जा रहा है। 13 जून को वसुंधरा विहार में 2 अत्याधुनिक थिएटर शुरू हो जाएंगे। वहीं नगर परिषद को भी लाखों की आय शुरू हो जाएगी। सभापति कलासुआ ने बताया है कि थिएटर को लेकर शहरवासी काफी उत्साहित है। सीकर में बस स्टैंड पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में शव को रखवाया है। रिंगस पुलिस थाने के चालक कालूराम मीणा ने जानकारी दी है। पाली के राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आम जन ढोल नगाड़ों के साथ कैंप में आकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं कहीं पर ढोल की थाप पर नाचकर प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं पाली जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व उपाध्यक्ष, केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड शिशुपाल सिंह कैंपों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। जालौर के नव घोषित जिले सांचौर में विशेषाधिकारी के पद पर आईएएस पूजा पार्थ ने पदभार ग्रहण किया है। आईएएस पूजा पार्थ ने पहले गोलासन हनुमान मंदिर में दर्शन कर वो सांचौर पहुंची और जहां पर बड़ी संख्या में शहरवासियों ने आईएएस पूजा पार्थ का भव्य स्वागत किया। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ओएसडी के पद पर आईएएस पूजा पार्थ ने पदभार ग्रहण किया। सीकर में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वे अपने वेतन विसंगति एवं पदनाम को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। जल्द ही अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 से 7 जून तक काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि से एक तरफ जहां आमजन को गर्मी से और लू से राहत मिली है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में तूफानी हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं और बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। जयपुर के किशनगढ़ रनवाल में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदारी नहीं होने से नाराज किसानों ने कृषि मंडी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजपेड ने सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीदारी 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की, लेकिन किशनगढ़ रनवाल सांभर सहित अन्य खरीद केंद्रों पर 1.5 माह बीत जाने के बावजूद सरसों की खरीदारी प्रारंभ नहीं होने से लाचार किसान अपनी जींस बाजार में कम भावों में बेचने को मजबूर है।
नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार की अध्यक्षता में सिटी फ्लड ड्रेनेज सिस्टम कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएफसीडी के कार्य को करते हुए समय आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, संवेदक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव से मुलाकात की और कलेक्टर के पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्थान वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के सदस्य चुन्नी कप्तान के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर में आगामी 31 मई को अजमेर देहात के कायड़ स्थित विश्राम स्थली पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आम सभा की तैयारियों तथा जानकारी के लिए देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की ओर से होटल श्री में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। कोटा ग्रामीण के चेचट कस्बे में एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सिद्धांत और अजय के कब्जे से दो लाइसेंसधारी बंदूक भी बरामद की गई है। बाड़मेर के बालोतरा में नए बस स्टैंड सर्किल और वीर तेजाजी छात्रावास के पास मास्क की दुकान का विरोध हुआ है। जाट समाज के लोगों ने बालोतरा ओएसडी के नाम ज्ञापन सौंपा है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क की दुकान हटाने की मांग की है। प्रशासन को दिया अल्टीमेटम और साथ ही साथ समय पर दुकान नहीं हटी तो धरने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। गंगापुर सिटी नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल को मिला स्टे। एसीबी में दर्ज मामले के बाद निलंबन और गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने आदेश स्थगित दिया है। आपको बताएं कि समर्थकों और भाजपा में जश्न का माहौल है। सभापति शिवरतन अग्रवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कार्यकर्ताओं के साथ वो कार्यालय पहुंचे। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम की अमावस्या स्नान के बाद बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार किया गया। विशेष पूजा अर्चना के चलते मंगलवार को रात्रि 10:30 बजे से ही बाबा श्याम के पट मंगल हो गए थे। उसके बाद पूरे दिन बाबा श्याम के पट बंद रहे। हालांकि श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा पूर्व में ही आम सूचना जारी कर दी गई थी, उसके बावजूद भी रात्रि से ही श्रद्धालुओं का खाटू धाम आने का सिलसिला जारी रहा। वहीं बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के बाद पट खुले, श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के पचपरा मोहल्ले में एक किराने की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बूंदी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण सत्ता को लेकर स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें तंबाकू निषेध, तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर आमजन में जागरूकता लाने और सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज आदि के आसपास तंबाकू बिक्री पर बैन लगाने सहित तंबाकू विक्रेताओं पर अवैध रूप से बेचने पर कार्रवाई को लेकर इस सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के सबसे व्यस्ततम तुलसी वन रोड पर पिछले एक महीने पूर्व नगर पालिका द्वारा सड़क को चौड़ा करने के लिए लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया गया था, लेकिन जब लोगों ने पालिका के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और दो नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया तो नगर पालिका ने अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ दिया और पीला पंजा चलाकर पालिका द्वारा तुलसी वन रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कठुमर के अपना घर सेवा समिति ने दो विमंडित वृद्धाओं को अपना घर बझेरा भरतपुर एम्बुलेंस में बिठाकर दोनों को रवाना किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अनिल कुलवाल आदि सदस्य मौजूद रहे। कठुमर उपखंड के प्रद्युम्न सिंह पुत्र मान सिंह यादव का सिविल सर्विसेज परीक्षा में 318वीं रैंक प्राप्त कर चयन हुआ है। चयन होने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रद्युम्न का 6ठी बार में सिलेक्शन हुआ। पावटा कस्बे के राम मैरिज गार्डन में कुम्हार प्रजापति समाज के पावटा तहसील स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कुम्हार महासभा प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुल्हेपुरा के मुख्य आतिथ्य और हरिराम जी केलना वालों की अध्यक्षता में किया गया। फुलेरा के कुकू बाबा की बगीची में व्यापार महासंघ की साधारण सभा का आयोजन अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में किया गया। लग्जरी कार और लाखों की मोटर पार्ट्स चोरी होने के मामले में व्यापार महासंघ ने पुलिस के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। कठुमर में भैंसीना के मूल निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने यूपीएससी परीक्षा में 286वीं रैंक प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्कर्ष अग्रवाल का चयन होने पर परिवारजन और गांव वालों ने आरती उतारकर जश्न मनाया। खेड़ली क्षेत्र के गांव नटोज में मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने लोगों को राहत शिविर की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए गारंटी कार्ड वितरित किए। जैतरण के सेवरिया ग्राम में महंगाई राहत कैंप उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई, तहसीलदार शिवजी राम बावरी, विकास अधिकारी भवनलाल, नायब तहसीलदार पूर्ण राम और सरपंच प्रतिनिधि कानाराम गुर्जर सहित 32 से ज्यादा विभागों ने भाग लिया। महंगाई राहत कैंप में कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया एवं तुरंत लाभ प्रदान किया गया। तिवरी के मथानिया थाने में परिजनों ने युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। रामपुरा गांव से एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। बीनमाल में श्रेम करी माता जी की तलहटी में हनुमान भाकरी के पीछे महाकालेश्वर धाम परिसर में इन दिनों भीषण गर्मी के दौरान एक नागा
साधु अग्नि स्नान में लिप्त हैं। करीबन 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी नागा साधु नवीनगिरी महाराज चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके कड़ी धूप में तपस्या कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पंच दशनाम जूना अखाड़ा के नवीनगिरी जी नागा बाबा अपने आश्रम में इन दिनों 11 दिनों तक भीषण गर्मी में तपस्या करने में लीन रहेंगे। 21 से 31 मई तक दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक कड़ी धूप में तपस्या वो करते हैं। जालौर के भीनमाल में सीएचसी केंद्र में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी दिलीप सिंह, डॉक्टर कुलदीप वैष्णव समेत कई लोग मौजूद रहे। इलाके में मौसम ने अपना मिजाज कुछ यूं बदला कि आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। दोपहर बाद अचानक धूल भरी आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं मटर के दाने के बराबर के ओले गिरे हैं। वहीं बारिश से तापमान में भी कमी आई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6PS के राजकीय स्कूल के नए भवन का 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुंडर ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंपों के बारे में आम जनता से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आग्रह किया है और अधिकारियों से कैंपों में लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए निर्देशित किया है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष करण सहारण की सादुलशहर विधानसभा में सक्रियता बढ़ गई है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। गांव ढाणियों में जाकर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सुवाला गांव में किसान चौपाल लगाए गए जिसमें बागीदौरा तहसील के किसान मौजूद रहे। झालावाड़ बारामेघा हाईवे बाघेर घाटी में लोडिंग ट्रक के पलटने से ड्राइवर खलासी घायल हुए। सूचना मिलने पर गश्ती दल प्रभारी जगदीश बिश्नोई मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने पंचायत समिति अटरू की ग्राम पंचायत मूंदला में मोबाइल महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी प्रदान किए। महंगाई राहत कैंप मनोहर थाना तहसील के ग्राम पंचायत सोरती में आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत काफी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपना पंजीकरण कराया है। नगर अध्यक्ष नजाकत अली ने बताया कि कैंप के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश मीना रहे। मनोहर थाना के गुराड़ी गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मक्का की कड़प और कंडे सहित पेड़ जले हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ के पड़ावा न्याय क्षेत्र में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के निर्देशन में मोबाइल वैन का संचालन किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को बाल विवाह और उसके दुष्परिणाम और प्रावधानित दंड की जानकारी दी गई। लाडपुरा रामपुर के श्री चारभुजा नाथ मंदिर में विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ रुद्राभिषेक भागवत कथा का आयोजन 26 मई से 2 जून तक किया जाएगा। इसमें कथा का वाचन वृंदावन के आचार्य मृदुल शास्त्री करेंगे। ब्यावर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ब्यावर के विशेषाधिकारी रोहिताश सिंह तोमर का स्वागत किया। इस मौके पर डाक बंगला स्थित विशेषाधिकारी ऑफिस पहुंचे आप पदाधिकारियों ने उन्हें ब्यावर के संस्थापक कर्नल दीक्षण की तस्वीर के साथ बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। ब्यावर के वार्ड संख्या 41 के विश्वकर्मा कॉलोनी में करीब 40 लाख रूपये की लागत से बनी 700 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। सड़क उद्घाटन को लेकर वार्डवासियों की ओर से एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। उपखंड बौली के बपुई गांव में आग से हजारों का नुकसान हुआ है। अज्ञात कारणों से एक छप्परपोश में लगी आग से चारा अनाज व अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। बौली में लायंस क्लब ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार निभाया। उपखंड मुख्यालय बौली के खिरनी रोड पर लायंस क्लब द्वारा वाटर कूलर लगाया गया। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।